नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठा रहे किसानों के लिए एक अच्छी खबर है। इस योजना के लिए अनिवार्य EKYC प्रोसेस अब 22 मई तक पूरी की जा सकती है। पहले इसकी अंतिम तिथि 31 मार्च थी, लेकिन अब इसे बढ़ा दिया गया है। बता दें कि पीएम किसान योजना के तहत अब तक 2000 रुपए की 10 किस्तें दी जा चुकी है। 11वीं किस्त अब जल्द ही इसी महीने में आने की संभावना है। हरियाणा में अब रजिस्ट्रियों में धांधली पर रोक लगेगी। इसके लिए हरियाणा सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। अब तहसीलों और उप तहसीलों में सक्रिय दलाल सरकार के निशाने पर होंगे। रजिस्ट्रियों में सक्रिय दलालों पर निगाह रखने के लिए इन कार्यालयों में CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। देश भर के नेशनल हाईवे पर टोल टैक्स में इजाफा हुआ है। इसके बाद बसों के किराए में वृद्धि होने के आसार हैं। ऐसे में दिल्ली से हरियाणा के कई शहरों का सफर महंगा हो सकता है। बढ़ाई गई टोल दरें 31 मार्च रात 12 बजे से लागू हो गई है, जिसका सीधा असर हरियाणा रोडवेज के बसों के किराए पर पड़ने वाला है। आपको बता दें कि रेवाड़ी नारनौल, रेवाड़ी रोहतक और रेवाड़ी गुरुग्राम दिल्ली रूट की बसों में किराया बढ़ सकता है। भारतीय रेलवे ने रेल यात्रियों को एक तोहफा दिया है। कोरोना महामारी के बाद अब AC कोच में बेडरोल की सुविधा शुरू कर दी गई है। अब बेडरोल यात्रियों को बिना पैसे के मिलेगा। 16 ट्रेनों में यात्रियों को सुविधा दी गई है। 1 अप्रैल शुक्रवार से रेलवे ने ट्रेनों के AC कोच में यात्रियों को कंबल और लिनन बिस्तर के लिए चादरें उपलब्ध करवा दी गई है। चूंकि अब एक बार फिर व्यवस्थाएं सामान्य होने लगी हैं, तो कामकाज भी ऑफलाइन मोड में शुरू हो गया है। हरियाणा के कई सरकारी दफ्तरों में कोरोना को देखते हुए बायोमेट्रिक सिस्टम को बंद कर दिया गया था। इस कारण लोगों ने लेट आना शुरू कर दिया था, क्योंकि इससे हाजिरी का सही समय का पता नहीं लग पा रहा था। अब 5 अप्रैल से सभी सरकारी दफ्तरों में फिर से बायोमेट्रिक सिस्टम लागू हो जाएगा। यानी कि अब जिन यात्रियों ने लेट आने की आदत डाल रखी थी, उन्हें अब अपनी आदतों में सुधार करना होगा। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ पर पंजाब सरकार के दावे पर हरियाणा के गृह एवं सेहत मंत्री अनिल विज ने पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार पर पलटवार करते हुए कहा कि पंजाब सरकार को मुद्दों की जानकारी नहीं है। चंडीगढ़ का मुद्दा अकेला मुद्दा नहीं है और इसके साथ SYL हिंदी भाषी क्षेत्र का मुद्दा भी है, मगर आम आदमी पार्टी धोखेबाज पार्टी है जिसका जन्म धोखे से हुआ है। उन्होंने कहा कि अन्ना हजारे के आंदोलन में कहीं भी यह एजेंडे में नहीं था कि इस आंदोलन से पार्टी बनाई जाएगी। अब जिस पार्टी का जन्म धोखे से ही हुआ हो, तो वह कदम कदम पर धोखा तो करेगी ही। हरियाणा विजिलेंस ब्यूरो में 15 दिन के भीतर CBI के 4 वरिष्ठ अधिकारियों की एंट्री हो जाएगी। 1 अधिकारी की ब्यूरो में प्रतिनियुक्ति की मंजूरी मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहले ही दे चुके हैं। 3 अन्य अधिकारियों को लाने की अनुमति गुरुवार को दी गई है। यह अधिकारी सेवानिवृत्त IPS अधिकारी होंगे, जो कि 1 करोड़ तक के भ्रष्टाचार के मामलों में कार्रवाई करने में सक्षम होंगे। सरकार का मानना है कि इस कदम से मामलों की जांच प्रभावी ढंग से होगी और भ्रष्टाचार पर करारी चोट करने का मौका मिलेगा। गुरुग्राम में पहले नवरात्रि पर माता शीतला मंदिर में भक्तों की भीड़ देखने को मिल रही है। वहीं पहले नवरात्रि पर माता शैलपुत्री की पूजा की गई है। चैत्र मास के नवरात्रों में माता शीतला के दर्शनों के लिए देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग दर्शनों के लिए माता के दरबार में पहुंचते हैं। माता शीतला के मंदिर में यह मान्यता है कि माता के दर्शन मात्र से ही सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। पहले नवरात्र पर शैलपुत्री की पूजा की जाती है। हरियाणा स्कूल शिक्षा विभाग 6ठी और 9वीं कक्षा में लड़कियों की सरकारी स्कूलों को छोड़ने पर सतर्क हो गया है। नए शैक्षणिक सत्र के लिए स्कूल मुखिया की जिम्मेदारी तय कर दी गई है कि एक भी लड़की स्कूल छोड़कर न जाए और न ही सरकारी से निजी यानी प्राइवेट स्कूलों में दाखिला ले। मुख्य शिक्षकों, मौलिक मुख्याध्यापकों को आसपास के सरकारी स्कूल में उन्हें अगली कक्षा में दाखिला दिलाना होगा। 11वीं कक्षा के दाखिलों पर सरकार का विशेष ध्यान है। गली गली और गांव-गांव शिक्षकों को भेजा जाएगा। शिक्षा मंत्री ने बताया कि नया शैक्षणिक सत्र 13 अप्रैल से प्रारंभ होगा। वहीं 9वीं की कक्षाएं 3 तो वहीं 11वीं की परीक्षाएं 7 अप्रैल को समाप्त हो रही है। 11 अप्रैल को परिणाम आ जाएगा। 12 अप्रैल से प्रवेश उत्सव शुरू करेंगे। यह मई और जून महीने तक चलता रहेगा। सरकार द्वारा 1 अप्रैल से समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद की घोषणा के पहले दिन महेंद्रगढ़, कनीना व सतनाली मंडी में कोई भी किसान अपनी उपज लेकर नहीं पहुंचा। इस समय क्षेत्र के अधिकांश किसान सरसों की थ्रेसिंग व गेहूं की कटाई में व्यस्त हैं। वहीं कनीना मंडी 1 अप्रैल से शुरू होने वाली गेहूं खरीद को लेकर भले ही प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां पूरी कर ली गई हों, लेकिन क्रय केंद्र में पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ नजर आ रहा है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।